हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी चैटर। तो आज हम बात करेंगे फिल्मी रिव्यू ऑफ खाली पीली। तो भाइयों, आज का ज़माना चल रहा है नेपोटिज्म का, जिसमें दो स्टार्स किड्स को उठाओ, फिल्म बनाओ, थोड़े बोल्ड सीन, फिर उनका जिम लुक, ये लुक वो लुक करके उनको प्रमोट करो, और फिर भी प्रमोट नहीं हुए तो उनका अफेयर्स दिखाओ और कुछ मसाला वाला स्टेटमेंट दिखाओ और वायरल कर दो। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दी चैनल। खाली पीली एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें जगह जगह कॉमेडी मिलेगी, और वो भी अनन्या पांड्या के फैबुलस एक्टिंग के साथ। नहीं, हमारा मेन पॉइंट है खाली पीली मूवी के लीड रोल के बारे में। मैं भी कहा नेपोटिज्म पे चला जाता हूँ। तो लीड रोल में है ईशान खट्टर और अनन्या पांडे, जयदीप अलावत एज अ यूसुफ। पिछली मूवी की स्टोरी वैसे तो नई नहीं है, वो पुरानी कहानी है जिसमें हीरो हीरोइन बचपन में अलग अलग हो जाते हैं, फिर वो अचानक किसी मुसीबत में एक दूसरे को मिल जाते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं। फिर वही हाफ फिल्म होने के बाद वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, फिर अचानक से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर आगे वही सेम स्टोरी, पर मैं नहीं बताऊंगा, आप ही देख लो ये मूवी, वो भी 299 भर कर। आपको खाली पुली मूवी देखने के लिए 299 पेड करना पड़ेगा। तो बात करते हैं खाली पुली मूवी के परफॉर्मेंस के बारे में। तो ईशान खट्टर ने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरह से निभाया गया है, पर अनन्या पांडे की एक्टिंग इतनी भी कुछ खास नहीं थी। एंड जयदीप अलावत तो एक्टर ही ब्रिलियंट है। तो आप बताइए, तो हमें कमेंट में बताएं खाली पीली मूवी आप देखेंगे या नहीं, और अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट में बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर वीडियोज़ अपडेट।